बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर वही मेहमान अपने 4-5 दिन से ज्यादा हो जाता है तो हमारे घर का बजट बिगड़ने लगता है। तो ये जो कहानी है, ये व्यंग है, वो ऐसे ही मेहमानों पर है जो किसी के घर पे लंबे समय तक रुकने के लिए आ जाते हैं, वो सामने वालों की परेशानी नहीं समझते। तो एक बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़िए इसको। हे अतिथि, आज तुम्हें पधारे हुए 4 दिन हो गए। जो लेखक है वो अपने मेहमान से कह रहा है कि आज तुम्हें आए हुए 4 दिन हो गए। मेरे विचलित मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब स्वर्ग, मेरा मतलब है अपने स्वर्ग रूपी घर जाओगे। अब वो कह रहा है कि अतिथि से कह रहा है कि भाई तुम्हें 4 दिन हो गए, तुम कब अपने घर जाओगे, तुम मुझे मुक्ति कब दोगे मेरे प्रिय अतिथि, मतलब मुझे कब आजाद करोगे। तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो ठीक उसके सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीख में तुम्हें रोज दिखाकर बदल रहा हूं। यह मेहमान नवाजी का 4th दिन है मगर तुम्हारे जाने की संभावना नजर नहीं आती। लाखों मील लंबी यात्रा करके एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतना नहीं रुका जितना तुम रुके। उन्होंने भी चांद पर मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती? मतलब वो इतना परेशान हो गया कि अतिथि से कह रहा है कि तुम वापस कब जाओगे। जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया था। बटुआ कांपने का मतलब है बच्चों का बजट बिगड़ना, क्योंकि मेहमान आता है तो उनके अकॉर्डिंग हमें 2 सब्जी बनानी पड़ती है, मिठाई भी लानी पड़ती है, उनके रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, इसलिए ऐसा बोला। फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने सुमित तुम्हें सादर नमस्ते किया। तुम्हारी शान पे ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में बदला। दोपहर का भोजन क्या कहलाया? लंच। और रात के भोजन को डिनर में बदला। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया और मिठाइयां मंगवाई। अब ये सब करेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे ना बच्चों। इस उम्मीद से कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी के छाप तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे, मगर आज 4th दिन है, तुम यही हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, मतलब देखो पहले दिन तो मिठाई रायता खिला रहे और आप 4th दिन क्या खिला रहे? खिचड़ी। लेकिन जब भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा, फिर भी तुम यही हो। आज हम उपवास करेंगे, तुम यही हो। तुम्हारी उपस्थिति और रबड़ की तरह खिंचेगी, हमने नहीं सोचा था। परसों तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देंगे। लॉन्ड्री जहाँ पे कपड़े धुलते हैं, ठीक है, मतलब यह जब कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तो तुम नहीं जाओगे। यह चोट मार्मिक है, यह आघात अप्रत्याशित है। मैंने पहली बार जाना कहते थे कि वो देवता नहीं होता, मनुष्य कई बार राक्षस भी होता है। बच्चों एक दिन का अगर कोई मेहमान आ रहा है तो वो देवता के समान है, लेकिन अगर कोई लंबे टाइम तक रुक रहा है तो मात्र मनुष्य है। यह सुन मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते, पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी होती है तो मेरा दिल छोटा होने लगता है। कपड़े धुलकर आ गए, तुम यही हो। पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी है, तुम यही हो। अब इस कमरे के आकाश में ठाकुर के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। शब्दों का लेन देन मिट गया। भी कोई आता तो हम बात करते हैं, लेकिन अगर कोई लगातार 4-5 दिन वही है तो भी क्या बात करें। अब करने को कुछ बचा ही नहीं। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदार, पुराने दोस्त, फिल्म, साहित्य, हमने पुराने किस्सों का भी जिक्र कर लिया, सारे विषय खत्म हो गए। तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं गाली में बदल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा तुम कौन सा फेविकोल लगाकर मेरे घर में आए हो। पत्नी पूछती है कब तक रहेंगे। जवाब में मैं कंधे उचका देता हूँ या प्रश्न पूछते तो मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँ। जब मैं पूछता हूँ तो मैं चुप हो जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा, मतलब तुम यहाँ से कब जाओगे। मैं जानता हूँ तुम मेरे घर में अच्छा लग रहा है, सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलना हो तो किसी के घर में रहते हैं, लेकिन घर तो सुंदर होम स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर पे चला जाए। मेरी रातों को अपने खराटों को खून जाने के बाद अब चले जाओ। मेरे दोस्त देखो, शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अतिथि, कल का सुबह तुम्हारे आगमन का 4th सूरज होगा, वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। इसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा। सच है, अतिथि होने के नाते तुम देवता हो मगर मैं तो मनुष्य हूँ। एक मनुष्य ज्यादा दिन उधर देवताओं के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है दर्शन दे और चला जाए। तुम लौट जाओ अतिथि, इसके पूर्व मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो। तुम लौट जाओ अतिथि, तुम कब जाओगे। तो बच्चों ये लेसन, ये पाठ हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि हमें किसी के भी घर मेहमान बनकर ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की परिस्थिति